हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज जैसे मैंने कहा था, 750 से हमने जो रिवर्सल देखा मार्केट में, लगभग 450 का लो लगाया, लगभग 300 पॉइंट का फॉल देखा हमने। और जो मैंने कहा था कि जो 200 डेज का जो एवरेज का पावर है वो हमें देखने को मिला। आज हम 16,505 पे बंद हुए, लगभग 110 पॉइंट नीचे, लगभग 0.5% के ऊपर बंद हुए हैं लॉस के साथ। तो यहाँ जो है तो देखते हैं कि अभी निफ्टी जो है तो हर एक चार्ट पे कैसे दिखता है और कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप हो सकता है। तो पहले शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं हम 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1% नीचे फॉर द वीक। और यहाँ जो है तो जो 50 वीक का एवरेज है वो सपोर्ट प्रदान कर रहा है निफ्टी को। तो ये टूटता है और ये ऐसे नहीं टूटेगा, ये एक बड़ी सी कैंडल के साथ टूटेगा। आपको एक ऐसी कैंडल जो है, इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी। अगर उस तरह से टूटता है तो इन्वेस्टर के लिए वो रेड फ्लैग होगा, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था पीछे उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उनको जो है तो फिर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर देना चाहिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, वो भी ब्लू चिप स्टॉक में। सिर्फ आपको मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूंगा जो सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक में। तो यहाँ देखना है, अभी मार्केट जो है तो इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, जो जैसे मैंने कहा वो लेकर जा सकता है निफ्टी को 17,250 और उसके ऊपर भी लेकर जा सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो। अगर ये लेवल टूटता है, और वो लेवल इतना इजीली नहीं टूटेगा, उसके लिए एक बड़ी सी रेड कैंडल, लगभग कम से कम 2-3% की कैंडल बननी पड़ेगी, उस तरह से ही टूटेगा और वो एक इवेंट पे ही टूटेगा। फिलहाल के लिए मुझे उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम लगती है, मगर बोल नहीं सकते, वॉर में कुछ भी होता है। अगर ये न्यूक्लियर तक जाता है या फिर छोटा सा भी कुछ दूसरे देश पे असॉल्ट होता है या फिर दूसरा देश इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से हम मार्केट में पैनिक आते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद में जो है तो मार्केट क्रैक डाउन हो सकता है। फिलहाल के लिए पीओट और जो 50 वीक का एवरेज है वो सपोर्ट दे रहे हैं, और यहाँ बाउंस बैक की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लगभग 60-70% पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट में बाउंस बैक देखेंगे। मगर यह दिक्कत भरी बात है हमारे लिए, क्रूड और बाकी की चीज़ें जैसे नेचुरल गैस, कमोडिटीज, कॉपर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ये सब दिक्कत भरी बातें हो सकती है लॉन्गर टर्म में। तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम ये सपोर्ट होल्ड कर पाते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि होल्ड कर पाएंगे, मगर कह नहीं सकते कि मार्केट में अगर कुछ वर्स होता है वॉर में तो उसकी वजह से हम जो है तो वो लेवल टूटते हुए भी देखेंगे। और यहाँ जब तक मार्केट 16,750 क्रॉस नहीं करता, या हमें मोस्टली बियरिश साइड के ही व्यू लेने चाहिए, लॉन्ग साइड के व्यू सिर्फ इंट्राडे में ही लेने चाहिए, वो भी सपोर्ट पे आने पर 16,750 के ऊपर ही हम शॉर्ट कवरिंग रैली देखेंगे जो लेकर जाएंगी निफ्टी को लगभग 17,200 से 250 के तरफ। उसके ऊपर भी जा सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि हम जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, और मार्केट जो है तो मोस्टली चर्निंग करते रहेगा सेक्टर वाइज। अगर ये लेवल नीचे जो है तो हम जो लो है लगभग 16,300-16,200 का लो तोड़ देते हैं, तो फिर एक नया मोमेंटम बिल्डअप होगा डाउन साइड पे, जो मार्केट को इस महीने लेकर जा सकता है लगभग 15,900 से लेकर 15,350 के तरफ। तो अगर 16,200 टूटता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मिलेगा, जिसका टारगेट रहेगा 15,900 और उसके बाद में जो 15,350। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हम जो है तो जो 200 डेज का एवरेज है उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। मार्केट कई बार कोशिश करेगा उसको तोड़ने के, अगर वो नाकामयाब होता है, स्ट्रांगली नाकामयाब होता है, तो ही हम उसमें रिवर्सल देखेंगे। और अगर उसके ऊपर क्लोज होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो लेकर जाएगी मार्केट को 17,250 के तरफ। तो यहाँ फिलहाल के लिए जब तक मार्केट 16,750 के नीचे है तब तक मेरा व्यू मोस्टली ऑन बेयरिश साइड रहेगा। इंट्राडे में आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हो या रिकवरी देख सकते हो, मगर वो मोस्टली जो है तो ऊपर के लेवल पर जाते ही सोल्ड ऑफ होगी, जैसे आज हमने देखा। अभी देखते हैं कल के लिए ट्रेड। तो कल के लिए जो है तो आप देख सकते हो कि आज हम खुले थे पहली कैंडल से जो है तो हमने बेचना शुरू कर दिया जो बड़े ट्रेडर से उन्होंने, और हमने लगभग 450 का लो देखा। तो यहाँ मार्केट आप देख सकते हो कि पिछले 4-5-6 दिनों से जो है तो एक रेंज में फंसा हुआ है, 16,800 से लेकर 16,250, तो इसके बीच में ही घूम रहे हैं। तो कल भी मुझे लगता है कि हम जो है तो हो सकता है कि अगर हम 450 का लो होल्ड करते हैं
तो हम फिर से रिकवरी देखेंगे 750 और 800 की तरफ। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अगर 450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मेरा लॉन्ग व्यू रहेगा, 750 800 के मेरे टारगेट रहेंगे उस सिनेरियो में। अगर हम 450 तोड़ देते हैं तो उस सिनेरियो में मेरे टारगेट रहेंगे 16,250 और उसके बाद में 16,050 के टारगेट मैं पकड़ के चलूँगा, क्योंकि कल आखिरी दिन है वीक का और मार्केट जो है तो हो सकता है कि वीकेंड पे जो अनसर्टेनिटी है उसके पहले ही जो है तो मूवमेंट दे दे। और यहाँ जो है तो यूक्रेन और यूएस का जो टॉक चल रहे हैं उसका आउटकम क्या आता है तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। मगर यहाँ जो है तो मोस्टली स्टांस बेरिश रहेगा, क्योंकि इंडिया के लिए जो क्रूड ऑयल और बाकी की चीज़ें ये बहुत ही इफेक्ट करने वाली है लॉन्गर टर्म में। और अगर यूएस सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जो वोट अब्सटेंड किया था उसके वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। मगर यहाँ वो शायद वो इंडेक्स में देखने को नहीं मिले, वो स्टॉक वाइज हमें देखने को मिल सकती है। कल के लिए मोस्टली मुझे लगता है कि मार्केट जो है तो रिकवर करेगा, तो मोस्टली उस तरह से मेरा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। 450 के ऊपर हम लॉन्ग का ही सोचेंगे, टारगेट रहेंगे 750 से लेकर 800 के। अगर 450 के नीचे जाते हैं तो फिर हम जो है तो शॉर्टिंग का सोचेंगे। 450 के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 16,600 और टारगेट रहेंगे 16,250 और 16,50 फॉर शॉर्ट साइड। ऑप्शन के ट्रेड भी आपको उस तरह से ही प्लान करने हैं। अगर 450 होल्ड करता है तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन लेकर चलेंगे 16,450 का ही, और जो टारगेट रहेगा उसमें हमें लगभग 40-50% रिटर्न दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उस सिनेरियो में थोड़ा सा विक्स जो है तो खुला होते हुए देखेंगे हम। अगर नीचे टूटता है तो उस सिनेरियो में हम जो है तो फोकस करेंगे 16,450 का पुट ऑप्शन पे, उसका भी स्टॉप लॉस सेम रहेगा। अगर फ्यूचर जो है तो 16,600 पे जाता है तो उस ऑप्शन में हम जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाएंगे। नीचे अगर 16,250 और 16,50 आता है तो हमें पुट ऑप्शन में ज़्यादा जो गेन से दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उस सिनेरियो में विक्स शूटअप हो जाएगा और प्रीमियम जो है तो इन्फ्लेट हो जाएंगे, तो उसके वजह से हमें लगभग 60-70% गेंस दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। मोस्टली मुझे लगता है कि कल के लिए जो है तो मार्केट फिर से एक रिकवरी का प्रयास कर सकता है, जो मार्केट को लेकर जाएगा 16,700 से लेकर 750 के लेवल की तरफ। तो आई होप सो कि आज आपने जो है तो जो मैंने ट्रेड आपको सुझाया था वो लिया होगा और कुछ ना कुछ आपको मुनाफा हुआ होगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करनी है तो लिंक्स जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।